नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में BSTC प्रथम और द्वितीय वर्ष की गणित शिक्षण के अंतर्गत में हम भाजकता के नियम पढ़ाएंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भाजकता के नियमों में 2, 3, 4 और 5 चार प्रकार के हम नियम पढ़ चुके हैं। 2 से भाजकता का नियम, 3 से भाजकता का नियम, 4 से भाजकता का नियम और 5 से भाजकता का नियम। तो आज हम जो और भाजकता के नियम हैं उनको हम अध्ययन करेंगे। तो भाजकता का नियम इसमें जो चार नियम हम पढ़ चुके हैं, पांचवा है 6 से भाजकता का नियम। यदि संख्या में, यदि ऐसी कोई भी संख्या है जिसमें 2 और 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे कि वह संख्या जो 2 व 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है ना। अब 6 से विभाजित होने का मतलब क्या हो गया है? जैसे कि एक संख्या दे रखी है, ठीक है ना, अब इसको 2 से डिवाइड करो, 7 बार गया 14, 8 बार गया 16, 6 बार गया 12, 4 बार गया 8, ठीक है ना, ऐसे ही 15 3 से भी विभाजित है, 5 बार गया 2 बार 4 बार 2 बार। तो यानी ये संख्या कौन सी, 15,726 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो अर्थात ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ये भाजकता के नियम है। फिर नेक्स्ट है छठा जो नियम है वह भाजकता का सास सात व 13 से सात व 13 से यह पहले 8 वाला पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा आसानी रहेगी, इसको फिर बाद में देखते हैं। पहले 8 से भाजकता का नियम। अब देखिए 8 से भाजकता का नियम इसमें जो अंक दे रखे हैं अंतिम 3 अंक यानी इकाई दाई सैकड़ा, इनके अंक जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। ऐसी कोई संख्या दे रखी है लास्ट के जो 3 अंक हैं यदि ये 8 से विभाजित हो जाते हैं तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी। इसके अलावा अब 7 और 13 वाला जो नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, 7 व 13 से। अब 7 व 13 के किसी संख्या के दाईं साइड से यानी दाहिने तरफ से 3 अंक के समूह बनाइए, यदि उनका अंतर, ठीक है ना,
इसी संख्या के दाईं साइड से तीन अंकों के समूह बनाइए, और यदि उसका अंतर सात से कट जाता है तो वो सात से विभाजित है। इसी प्रकार तेरह वाला भी होगा, जो तेरह से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या तेरह से। अब ये आता है कि अब आप उसमें डिसाइड कैसे करें। प्रथम तीन अंकों के साइड दाहिनी साइड से एक दो तीन, तो इस प्रकार आपको समूह बनाने हैं और समूह में से आपको सात से डिवाइड करना है और तेरह से डिवाइड करना है उन तीन संख्याओं को। अब उन तीन संख्याओं को डिवाइड करने के बाद में जो निष्कर्ष आएगा वह सात व तेरह से विभाजित होगी। इसी के साथ में नेक्स्ट है नौ से विभाजिता का नियम। नौ से भाजकता का नियम, अब देखो नौ में तो वही तीन वाला ही सिस्टम आएगा, ठीक है ना, तीन से विभाजित है। इसके अलावा इसमें जो संख्या दे रखी है उनके अंकों का योग करना है, जैसे कि चार पांच छ तीन दो चार तीन, ये संख्या दे रखी है तो इनके अंकों का योग करना, चार प्लस पांच प्लस छ प्लस तीन प्लस दो प्लस चार प्लस तीन इज इक्वल टू, ये कितना हो गए, सत्ताईस हो गए। अब सत्ताईस नौ से डिवाइड है तो ये संख्या भी नौ से डिवाइडेशन होगी, तो ये नौ से भाजकता का नियम। फिर इसी प्रकार ग्यारह से भाजकता का नियम, इसमें क्या होता है ग्यारह से भाजकता का नियम, एक सेकंड, ग्यारह से भाजकता का नियम में बहुत ही, ग्यारह से भाजकता का नियम, अब इसके अंतर्गत क्या होता है, यदि सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान कौन से हैं, दूसरा चौथा छठा आठवां, ये विषम स्थानों के अंक के योग, सम स्थान माइनस विषम स्थान। अब इसका मतलब यह है हो सकता है विषम संख्या के अंकों का योग अधिक हो तो विषम संख्या के स्थानों के योग में से सम संख्या के स्थानों का योग माइनस कर देना, और जो अंतर आता है वह क्या हो, 11 से विभाजित हो, ठीक है ना। इन दोनों का जो अंतर आता है यानी सम स्थान और विषम स्थान दोनों का योग का जो अंतर आएगा वह 11 से विभाजित है तो वो सारी संख्याएं क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये हमने पढ़ा है कि 11 से विभाजिता का नियम। एक और आता है बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, 37 से भाजकता का नियम, अब इसमें क्या होता है कि किसी संख्या के तीन समान अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होती है, जैसे कि किसी में बार बार तीन आ रहा है, किसी में बार बार दो आ रहा है, तीन आ रहा है, चार आ रहा है, पांच आ रहा है, तो इस प्रकार पुनरावृत्ति होती है तो वह संख्या क्या होती है, 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो आज हम, आज और कल इन दो वीडियो में हमने भाजकता के 10 प्रकार के नियमों के बारे में पढ़ा था, जिसमें दो से भाजकता के नियम, तीन चार पाँच छ सात और तेरह, आठ नौ और 37, ये भाजकता के, और 11,
ये भाजकता के नियमों के बारे में हमने जाना। इन प्रकार के, अब देखो ये नियम मैंने आपको बताए हैं, लेकिन ये जब तक नहीं होंगे, जब तक कि आप गणित एक ऐसा शिक्षण है जिसमें प्रैक्टिस की बहुत अधिक आवश्यकता होती, तो हमें अधिक से अधिक प्रैक्टिकल रूप से अभ्यास करना की आवश्यक अभ्यास करना चाहिए, जिससे हम अपनी अभ्यास से उस कार्य को सरल कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।